व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक बेहतरीन हेयर सीरम, जिसको आप इजीली घर पे बना सकते हैं और इसका अप्लाई करना भी बहुत ही आसान है। ये हेयर सीरम आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। हमारे बालों का झड़ना ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, इसे क्योर करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ आपके हेयर को सिल्की और स्मूथ बनाता है। अगर हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, इसे भी कंट्रोल करने में ये सीरम बहुत ही ज़्यादा एक बेहतरीन रिजल्ट देने वाला सीरम है। बहुत ही आसानी से आप इसे घर में बना सकते हैं, बस कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। तो देर ना करते हुए चलिए ये सीरम बनाना शुरू करते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम हैं मेरे चैनल पर और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक चम्मच मेथी के दाने, यानी कि फेनुग्रीक सीड्स, जो कि हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा ये बेनिफिशियल है। मेथी के दाने हमारे हेयर को नरिशमेंट देता है, साथ ही साथ ये हमारे हेयर को रिग्रोथ करने में हेल्प करता है। और अगर हमारे बालों में कोई भी प्रॉब्लम है, इसे क्योर करने में ये हेल्प करता है। दूसरा इंग्रेडिएंट मैंने जो लिया है वो है यहाँ पे ब्लैक क्यूमिन सीड्स, यानी कि कलौंजी, जिसे हम लोग बंगाली में कालो जीरे बोलते हैं। तो ये जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है, जो हमारे हेयर को रिग्रोथ करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ हमारे बालों का सफ़ेद होना भी रोकता है और हेयर फॉलिकल्स को एक्टिव करके हमारे हेयर रिग्रोथ करने में हेल्प करता है। तीसरा इंग्रेडिएंट्स है लौंग, जो कि हमारे हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। यह हमारे स्कैल्प में कोई भी इन्फेक्शन है छोटे मोटे, वो भी क्योर करने में हेल्प करता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे करीबन 1.5 कप, यानी कि 1.5 कप पानी लिया है, जिसे गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम लोग इसमें करीबन 1 चम्मच मेथी ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून यहाँ पे मैंने कलौंजी ऐड किया है और 7 से 8 लौंग यहाँ पे ऐड कर दिया है। और इसे 3 से 4 मिनट अब हम लोग मीडियम फ्लेम में बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। 1 मिनट तक बॉयल होने के बाद अब हम लोग इसमें करीबन 1/2 टीस्पून चिया सीड यहाँ पे ऐड कर देंगे और फिर से इसे हम लोग कम से कम 2 मिनट बॉयल करेंगे स्लो फ्लेम में। 4 से 5 मिनट इसे बॉयल करने के बाद अब हम लोग गैस को ऑफ कर देंगे। फिर हम लोग इसे एक स्ट्रेनर की हेल्प से इसको स्ट्रेन कर लेंगे। इस तरह से हम लोग इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। तो ये हमारा पावरफुल डिकॉक्शन बनके तैयार है। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच एलोवेरा जेल और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, जब तक कि आपस में अच्छे से मिक्स ना हो जाए। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और देखिए ये थोड़ा थिक हो चुका है। अगर आपको और भी ज़्यादा थिक चाहिए तो आप यहाँ पे एलोवेरा जेल का क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ के ले सकते हैं। फिर इसमें हम लोग 7 से 8 बूंद यहाँ पे रोजमेरी एसेंशियल ऑयल ऐड करेंगे। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल हमारे हेयर को रिग्रोथ करने में हेल्प करता है और हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। और फिर से हम लोग ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा बेहतरीन हेयर सीरम बन के बिल्कुल तैयार है। इसे आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके 1 वीक तक रख सकते हैं। इसे अप्लाई करने का तरीका भी बहुत ईजी है। अपने हेयर को अच्छे से कूम कर ले, फिर अपने स्कैल्प में इसे अच्छे से अप्लाई कर ले। चाहे कॉटन की हेल्प से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं या फिर स्प्रे बॉटल में भी डाल के इसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद इसे कम से कम आप 2 घंटा अपने हेयर पे लगे रहने दें। फिर आप चाहे तो प्लेन वाटर से या फिर कोई भी माइल्ड बेबी शैम्पू से अपने हेयर को वॉश कर ले। कुछ ही दिनों में आपको इसका रिजल्ट दिखने लगेगा। इसे आप
हफ्ते में कोशिश करें 3 दिन जरूर इसे अप्लाई करने का, इसका बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए। आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नई एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।